इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी। राजीव जी, अगर हम बात करते हैं वक्त को लेकर के, तो जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सरकार एक नया बिल लेकर के आ रही है जिसमें कई सारे संशोधन, मकसद ये है कि रेगुलेट किया जाए वक्त बॉडी को। अब ये पेपर लीक वाली सरकार है, हर बात को लीक करने की आदत है। इस मामले को भी मीडिया को पहले लीक कर दी। हम लोग सदन चल रहा है, सांसद हैं, हमारे सामने बिल आया नहीं, तब उनके काल्पनिक सवालों का क्या काल्पनिक की बात होगी। लेकिन जो मकसद है जो बताया जा रहा है, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, जब चुनाव हारने लगते हैं, जब चुनाव सर पे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसे मुद्दे को उखाड़ा जाए जो लोगों का ध्यान भटकाने के एक प्रयास है, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि किस लिए लाएंगे, क्या इनके पीछे मंशा है, पूरा देश समझ रहा है। नहीं, लेकिन बताया ये जाता है, लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि वक्त जो है, वक्त बोर्ड के ऊपर किसी तरीके का चेक नहीं था, और उसी को जो है करने के लिए इसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधि जो है यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा जो एक चेक एंड बैलेंस है उसको जो है करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, के ये आप कह रहे हैं ना, सरकार जब लेकर आए और सरकार बयान दे तो हम प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन आपको क्या मकसद लग रहा है फिर इस बदलाव का? मकसद तो मैंने बताया ना, चुनाव सर पे है विधानसभा का, अब इस तरह के करेंगे, मकसद आपको भी पता है, मकसद पूरा देश का भी पता है। क्या मकसद? कि सरकार जो बेरोजगारी के मुद्दे पर खामोश है, महंगाई के मुद्दे पर खामोश है, देश के ऊपर बढ़ते कर्जे के ऊपर खामोश है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर खामोश है, बाकी सारी बातों को बोलती रहती है। इसके साथ ही में अयोध्या में जिस तरीके से एक बलात्कार की घटना जो कथित तौर पर अभी हम कह रहे हैं, जो ये घटना सामने आई है उसको लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है, बुलडोजर तक चल गया है, आरोपी कहा जा रहा है कि सपा नेता के करीब है। वही सरकार है जो बनारस के तीन इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा यूनिवर्सिटी में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उनको फंडिंग करके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करा रहे थे, जब तक मीडिया के साथ बाहर नहीं आई बात। तो ये बलात्कारियों से चुनाव प्रचार करने वाले, हवाई जहाज देकर भेजकर प्रचार कराने वाले दूसरे को पराजित करते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने DNA की मांग किया, इसमें नजायज क्या है? क्या कानून नहीं कहता है कि कोई भी अगर आरोप लगे तो उसकी सही में जांच होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए? क्या कानून संगत हो बात नहीं कर रहे हैं? करे, अगर दोषी पाया जाता तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह ये भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चुनाव सर पे है ना। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी अंतरात्मा किस गड्ढे में मर गई थी जब बनारस के उन नवजुवकों से, बलात्कार के आरोप नवजुवकों से आप पैसे देकर मध्य प्रदेश में प्रचार करवा रहे थे, चाहे वे 6 वर्ष की बच्ची के साथ एक भारतीय जनता पार्टी नेता ने बलात्कार किया है, चाहे तमाम इनके नेताओं की बात आते हैं, कहाँ एक क्यों कार्रवाई नहीं होती? जाँच हो, जाँच की दोषी पाया जाए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अपराधियों की ना कोई पार्टी होती ना कोई जात होती है, कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों की ना कोई पार्टी होती ना कोई जात होती है, लेकिन उससे पहले तथ्य सामने आने चाहिए, जाँच होनी चाहिए। और रही बात वक्त को लेकर के, जो बिल की बात हो रही है, जानकारी निकल के सामने आ रही है, तो राजीव राय का यही कहना है कि जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनावों में बेहतर परिणाम नहीं ला पाई है BJP, और अब जो है आगामी जो है कई उपचुनाव और जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसी को ध्यान में रख करके किया जा रहा है इस तरीके के संशोधन की बात कही जा रही है। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.